हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज के ये वीडियो आप लोगों की किस्मत बदलने वाला है, खास करके वैसे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपका ये किस्मत बदलने वाला वीडियो हो सकता है। जैसे अभी हम लोग को के लिए एग्ज़ाम से एक महीना अभी टाइम है, कहने का मतलब एक महीना मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग का छठ पूजा है और फिर आपका दिवाली है, उसके बाद जस्ट उसी समय आप लोगों को क्या होगा, फॉर्म भरने का आएगा, सेशनल प्रैक्टिकल वगैरह ये सब जमा करने का आएगा, तो उसमें आप लोगों का 10-15 दिन निकल ही जाएगा। तो 10-15 दिन छठ पूजा और दिवाली में और 10-15 दिन आप लोगों को कॉलेज आते जाते निकल जाएगा। तो बचा कितना, हमारे पास एक मंथ का टाइम बचा, इसीलिए मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो दिया जिसमें आप लोगों को बताया कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल कितना आता है हर एक सेक्शन से, कहां से कौन सा ब्लॉक डायग्राम आता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने वो बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हैं। और अब आगे आने वाले सेशन में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें एक स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट का, या तो हो सकता है टेलीविजन का, या तो हो सकता है रेडियो का, या तो हो सकता है मेजरमेंट टू का, या तो हो सकता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर। उसमें आपको हर एक यूनिट वाइज, हर एक सब्जेक्ट के हर एक यूनिट वाइज से जो भी वीवीआई क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो उसका आप लोग वेट करें और इतनी बातों को जरूर ध्यान में रखें। अभी आप लोग के समय, आप लोग के पास भरपूर समय है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान वगैरह ये सब होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है कि एग्जाम जब डेट आता है तब आपको वीवीआई क्वेश्चंस बताया जाता है, तब आपके पास ना तो टाइम रह पाता है और ना ही आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि ये फिफ्थ सेमेस्टर है, इसके पांचों पेपर जो हैं वो पूरे लंबे चौड़े सिलेबस के साथ हैं। आप लोगों ने देखा होगा और देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो समझ में आ रहा होगा कि कितना वाइडली एरिया है। उसको हम लोग एग्जाम के समय में एट ए टाइम 4 से 5 दिनों में कवर करना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही उलझुल सब्जेक्ट हो जाता है। मैंने अपने जब मैं पढ़ता था तो उसमें हम लोग देखते थे कि जब एग्ज़ाम आता था तो हमारे दोस्त लोग हम लोगों को मतलब कि ये करते रहते, कम से कम ये इतना बता दो, इतना बता दो कि पास हो जाए, ये हो जाए। तो ऐसा परिस्थिति आपके साथ ना आए कि आपको एग्जाम के टाइम में किसी पर निर्भर होना पड़े, डिपेंड होना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि अभी से ही जैसे बताया जा रहा है उस तरह से आप तैयारी करो। आपको अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हमको आप बताइएगा एग्ज़ाम के बाद। आपको हम 100% कहते हैं कि आप अगर इस सारे जो भी मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हद तक हेल्प मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो उस समय आप याद करोगे कि कोई था जो हमको ये बतला रहा था, पर हम जो इसको फॉलो कर लेंगे वो तो खुश हो जाएंगे कि चलो कितना अच्छा है कि हमको पहले जानकारी मिल गया। और जिनको जानकारी मिलने के बावजूद अगर आप नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम में जाओगे और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो आपको याद आएगा कि कोई एक था जो कि हमको बता रहा था, कह रहा था कि बाबू पढ़ो, लेकिन हम पढ़े नहीं। तो इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, तो आप लोग अभी से ही सतर्क हो जाओ। चलो ठीक है, ये तो हुआ आप लोग के ये बात। अब देखो कुछ नई नई क्रिएटिविटी ना अपने अंदर जेनरेट करना पड़ता है। आप अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही डिप्लोमा कर रहे हो और आप लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आपके अंदर एक कैपेसिटी हो गई है, आपके अंदर एक बहुत सारा स्टोरेज हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जानकारी का, तो उसको ना अपने अंदर से निकालने का प्रयास करो। जैसे किसी को हेल्प पर्पज से बता सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, या फिर कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो कि किसी न किसी तरह से किसी को हेल्प कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको टॉलरेट करने का मौका मिलता है, आप कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचे हुए हैं। तो ये जो जब कंपटीशन करोगे, मतलब एक दूसरे से बात करोगे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें आपको ये अनुभव होगा कि इसमें मैंने क्या छोड़ दिया। जैसे कुछ होता है हमने कुछ पढ़ा, अगले ने उसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ और पढ़ा, तो इन्हीं सबको देखते हुए आप लोग के लिए एक लाया गया है कि आप लोग अपने अंदर की क्रिएटिविटी को दिखाओ। तो आप लोगों के लिए एक वेस्ट कौन कर सकते हैं, एक कंपटीशन टाइप का है ये। इसमें मैं आप लोगों को फुल्ली छूट देता हूं कि आप लोग क्या कीजिए। देखिए अभी तक मैंने ये सारे पेपर पढ़ा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चल रहा है, मेजरमेंट चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, रेडियो चल रहा है। देखिए मैं ये तो नहीं कर सकता कि आप लोग का वीडियो आना बंद हो जाएगा, ऐसा कभी भी ना सोचना।
हमें जब भी टाइम मिलेगा ये सारे टॉपिक्स इन सारे पेपर में छूटे हुए हैं, अभी तक इन सारे टॉपिक छूटे हुए हैं, और जब भी हमें टाइम मिलेगा आप लोग को जरूर वीडियो मैं दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोगों में से जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि मैं वीडियो बना सकता हूं या फिर मैं बता सकता हूं, अगर आप जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी पे लिख करके और वीडियो बना सकते हैं, या फिर छोटा सा आपको पास अगर ब्लैक बोर्ड है तो और भी अच्छा है, आप एक मार्कर ले लो, एक इंक ले लो और उससे भी आप लोग बता सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन सारे टॉपिक जो छूटा हुआ है उस पर अगर आप जानते हो थोड़ा सा टॉपिक, इन सारे टॉपिक में से कोई एक टॉपिक के बारे में भी, जैसे ये देखो ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें रिजोनेंस मेथड होता है, रिजोनेंस मेथड के द्वारा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट आता है, आपको टी नेटवर्क है, तीन सभी में से कोई एक छोटा सा भी टॉपिक है तो आप उसका वीडियो बना करके आप इस नंबर पे, आलोक रंजन सर ये नंबर है इनका, व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप वीडियो बना करके सेंड कर सकते हो। और आप लोग को बता दूं, अगर वीडियो बनाने से रिलेटेड किसी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके इससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आलोक रंजन सर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको वीडियो बनाना है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस मैटर को समझ लिया क्या करना है आपको लोगों, अब चलिए आइए कौन कौन से टॉपिक्स छूटे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। तो ये देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर छूटा हुआ है, चॉपर छूटा हुआ है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर छूटा हुआ है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर छूटा हुआ है। देखिए मैं ये सारी बातें करने के लिए आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हमसे भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मैं नहीं जानता वो आप जान रहे हो। तो आप अगर चाहते हो कि मैं कुछ करूँ तो आप लोग ये वर्क कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानते हैं वो नहीं कर सकते, वो भी करने का अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए अच्छा होगा, अगर आप किसी को मतलब ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो जो सब्जेक्ट होगा जो भी होगा वो आपका मजबूत हो जाएगा, फिर आप कभी भी किसी को किसी भी टाइम बात बता सकते हो या फिर उसको समझा सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेजरमेंट टू में क्या है, तो हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरेशन एनालिसिस ऑफ वेव। तो आप लोग सिलेबस से देखना और इसमें जो भी टॉपिक है उसमें से जिसमें भी आप लोग को आता है उसका वीडियो आप बना सक करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेलीविजन में मैंने मॉनिटर और एबीसी है क्या, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल ये छोड़ा है, तो इस टॉपिक से आपको अगर कोई जानकारी है तो उसका वीडियो बना करके आप लोग सेंड कर सकते हो। रेडियो में टाइप्स ऑफ एंटीना उसी में है, फील्ड पैटर्न, फेज पैटर्न, एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमीटर और स्विचिंग, तो इस सारे टॉपिक्स में से जो भी आप लोग को आता होगा उसका आप लोग वीडियो बना करके सेंड कर सकते हो। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं ये टॉपिक को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए अभी मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है, ये मैंने पहले भी बताया आज भी कह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे अभी कुछ दिनों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो उस दौरान आप लोग इसका वीडियो बना करके सेंड कर सकते हो, तो उसमें जिनका भी वीडियो अच्छा रहेगा मैं देखूंगा, देखने के बाद जिनका सही रहेगा उनका अपलोड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक आपकी भी क्रिएटिविटी जनरेट होगी कि आप किस कैपेबल हो, आप पढ़ रहे हो तो उसका आप सही से जानकारी ले रहे हो कि नहीं, कि सिर्फ किसी तरह ऐसे ही डिप्लोमा कर रहे हो, नाम का डिप्लोमा कर रहे हो, तो ये सारा आपके अंदर एक्टिविटी आएगा, तो इसीलिए आप लोगों को ये कराया जा रहा है। तो मेरे पास जब भी समय मिलेगा आप लोगों को इसका वीडियो जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी अधिक से अधिक जानकारी के लिए और नए नए क्रिएटिविटी करने के लिए।